ओके फाइंड द वर्क डन। हेलो सुनाई दे रहा है तुमको? यस सर नो? हाँ सर। चलिए बताइए पहला वाला। स्टार्ट कीजिए क्या करके। विपुल आप स्टार्ट कीजिए। T2 अर्जुन। विपुल आप स्टार्ट करो। पहला का सर वन बोलो। वर्क डन सर 3200। 3200। फर्स्ट टू सेकेंड्स कितना हुआ? इधर कितना आ जा रहा है? 60 180 आएगा। हाँ सर ऐसे आएगा ना? यस सर। यस सर। 20 सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? हाँ सर। यस सर। 2 सेकेंड में कितना? हाफ 40। 4 × 20 40 ठीक है? नहीं हाँ सर। 40 मीटर। 40 मीटर और ये 80 ठीक है हो गया। 3200 क्लियर है? हाँ सर। ठीक है गलत। ठीक है ये होता है जब हम लोग FPD अच्छे से नहीं देखते। इधर देखो ये ऊपर उड़ जाएगा। 60 जूल लग रहा है ऊपर। ये नीचे 40 जूल है। 40 न्यूटन है सॉरी। 60 न्यूटन ऊपर लग रहा है। नीचे 40 न्यूटन ही है। ऊपर उड़ जाएगा ये 20 न्यूटन। दिख रहा है? हाँ सर। तो उससे क्या? हाँ सर उससे देखिए होगा इधर इधर फिर 20 इधर फिर 20 न्यूटन से एक्सेलरेशन हाँ, होगा। हाँ, हाँ. इधर भी करेगा ना वर्क डन। हाँ सर। अच्छा सुनो मैं कभी कभी ऐसे बोल देता हूँ आप लोगों को डांट देता हूँ वगैरह ठीक है। टेंशन मत लिया बिकॉज आई रियली फील फॉर ऑल ऑफ यू दैट्स व्हाई यू नो ये कोई रोड पे तो मैं थोड़ी कुछ बोलने जा रहा हूँ। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ये है दिख रहा है ना ये 20 न्यूटन है ना? हाँ सर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर भी जाएगा ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल करेगा। हाँ सर है ना प्रोजेक्टाइल होगा एक्स और वाई दोनों में होगा मोशन। हाँ सर। दोनों तरफ इसका वर्क डन होगा। समझ आ रहा है? यस सर। यस हाँ सर। क्लियर है? यस सर। चलिए अब बताइए दूसरा वाला। दूसरा वाला ठीक है। दूसरा वाला जैसे आपने किया वैसे ही होगा ठीक है। दूसरा वाला डिस्कस नहीं करेंगे। आंसर बता दो। 640। सी सी सर 528। हाँ 528। 528 किसका? फ्रिक्शन का? अच्छा इसका नहीं सर इसका फोर्स का। फोर्स का 528 ऐसे इधर है कितना हो जाएगा? 80 200 इधर 20 है ना? कैसे हुआ 528 क्या हो गया? सर पहले उसका फोर्स 80 आ गया उसके बाद फ्रिक्शन को माइनस कर दिए। हाँ तो 60 न्यूटन हुआ ये है ना 3 मीटर स्क्वायर ओके हाफ इनटू 3 × 4 हो गया 6। नहीं सर 3.3 ना 3.3 क्या था? 60 है ना 60 न्यूटन हुआ ना फोर्स 80 - 60। हाँ हाँ सर 60 हुआ। 60 हुआ डिवाइडेड बाय 20 kg 3 मीटर पर सेकंड सर ना? एक मिनट सर वहाँ पे 20 20 20। हाँ सर इधर 80 इधर 20 तो 60 हुआ। 60 नहीं सर नहीं सर नहीं सर वहाँ पे आपका गड़बड़ है सर। हम बताते हैं वहाँ पे तो बोलो जो 100 न्यूटन है ना सर वो ऊपर लगाएगा ना तो नॉर्मल चेंज होगा ना सर। ओह हाँ सर 140 होगा 14 होगा इधर तो 80 - 14 होगा 66। इधर कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? 80 × 60 60 हाँ 200 140 14
14 ही है, उससे हो जाएगा सर 66। हाँ हाँ सर 33.3। थैंक यू। ठीक है हो गया, ये वाला हो गया, फ्रिक्शन का हो गया, नॉर्मल का हो गया, ग्रेविटेशन का हो गया, बताओ किसका 0-0 होगा। हेलो सर, नॉर्मल और ग्रेविटेशन का हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं सर, हमको एक डिवाइस से ज्वाइन करना है, इसका डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा अच्छा हाँ, मैंने ये क्या कहते हैं वेटिंग रूम लगा के रखा है, जब ये होमवर्क नहीं किया रहेगा वेटिंग रहेगा। चलिए इधर आ जाइए। अच्छा एक चीज है, आप लोग कब आओगे यहाँ पे, आ जाइए ना जल्दी। इसमें क्या था, अच्छा ये तो कल हम लोग किए थे ना ऐसा ही। कौन सा सर, जी नंबर में जी का 16 हो गया था ना कल, हम लोग ऐसे ही किए हैं। हाँ सर। इसका एच आई जे, एच बोलो, एच का सर 250, एच का सर 250, 250 जूल 250। ये कैसे किया, एफ डी एस एफ डी एक्स, वैसे ही सर 5V dx। ठीक है, अभी वी क्या होता है, डीएक्स बटे डीटी है ना। हाँ सर, सीधा 5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर, यस सर, 25 dx है ना। यस सर, एफ 25 हो जाएगा, एफ 25 हो गया। ठीक है, हाँ सर, है ना, हाँ सर, ठीक है, 25 dx तो 25 12.5 हो गया एक्सेलरेशन। यस सर, 12.5 एक्सेलरेशन हो गया, और 12.5 एक्सेलरेशन के कारण हाफ 80 स्क्वायर है ना, तो 25 मीटर जाएगा ना। ओके, 25 मीटर इंटू 50 इंटू 25 625, क्या है आंसर, 250 है सर, 225 है सर, 25 न्यूटन है ना ये। हाँ सर, हाँ सर, 12.5 मीटर, 12.5 4 2 25 625 हुआ ना। सर इसका एक और, ये इस तरह से नहीं बना सकते, मतलब dx by dt भी निकल जाएगा तो भी 5 हो गया, उसके बाद f में भी का वैल्यू पुट करके 25 न्यूटन, और यहाँ पे डिस्टेंस का 5t दिया हुआ इक्वेशन, तो t का वैल्यू 2, तो 10 लगा के और 250 आ गया। और उससे भी किए सर डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन से भी किए, उससे भी इतना ही आया। इंटीग्रेशन से तो सर 5 लाने तक ही ना, उसके बाद तो सब यही बड़ा हो गया तरीका। फोर्स क्या है मेरा, 5V। ओके, 5V, V equals dx by dt. ये xt ग्राफ 5t। ओके, और ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, एक्सेलरेशन तो इसमें 0 हो गया ना, xt अगर ऐसा रहेगा। हाँ सर, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, हाँ एक्सेलरेशन 0 हो गया तो सिर्फ वहां पे बहुत सारा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन गड़बड़। ठीक है, हम देख लेंगे, इसको 5t स्क्वायर करें तो फिर ऐसा हो जाएगा, 10t हो जाएगा। इसमें इसमें बोलिए, किसमें सर, i में f equals 5a, 5a। हाँ सर, ये तो d2x by dt स्क्वायर सर, एक्सेलरेशन हो गया 10 ना।
हाँ सर फोर्स हो गया 50 न्यूटन. हाँ यस सर. डिस्टेंस 20 50×20,000. नहीं ये क्वेश्चन भी, रुको एक मिनट, ये क्वेश्चन भी सही है. देखो इसमें क्या है ना, फोर्स मेरा 5V है ना, और V क्या है, V इज 5, क्लियर है, V इक्वल्स dx by dt ना, हाँ सर 5 है, 25. तो फोर्स कितना हो गया मेरा 25 न्यूटन, ठीक है, है कि नहीं, क्लियर है, यस सर, यस सर. और एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया, 12.5. एक्सेलरेशन कितना हो गया, 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये गलत, यस सर, नहीं क्योंकि ये F1 भी है ना भाई, इसीलिए मैंने F1 दिया था, क्योंकि F1 का भी कुछ तो, कुछ ना कुछ तो है ना कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन है. हाँ. तो ये हम लोग सीधा नहीं लिख सकते. समझ आ गया, यस सर, ठीक है, केवल F 25 न्यूटन लिख करके हम लोग को संतोष करना पड़ेगा. और XT ये है, इसका मतलब कि वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, दैट्स द पॉइंट. ठीक है, F1 इस प्रकार से है जो कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको लेके जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, अभी मेरा 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 25 न्यूटन इंटू 5 × 2, ठीक है, 250. तो आप लोग यही लाना सर, वही संगनार. हाँ सर ना, यस सर, क्लियर, यस सर, यस सर, हाँ सर. Then, इसलिए F1 ना वो एक redundant है, मतलब कि वो सब कुछ adjustable है. F1 के लिए आगे बढ़ते हैं. ये है 5A 10 50 न्यूटन ना, 50 न्यूटन, हाँ सर, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, 50 न्यूटन इनटू फर्स्ट 2 सेकेंड्स. एक्सेलरेशन इधर से निकलेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, अच्छा एक्सेलरेशन तो 10 ही है मेरा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, हाँ, है ना सर. तो 1/2 AT² सर, डिस्टेंस तो दिया हुआ है, ये तो 1/2 × 10 तो 4, कैसे डिस्टेंस दिया हुआ है, फर्स्ट 2 सेकंड्स, I T² ओके, हाँ डिस्टेंस दिया हुआ है ना, हाँ सर. तो 5 × 4 20 मीटर गया ना, यस सर. ऐसे भी तो वही आना था सर, हाँ 20 हो गया 20 × 50, ठीक है, 1000 है ना आंसर, हाँ सर, यस सर. अच्छा सुनो ना, इसका जो है ना सारा आंसर का ना एक 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 पेपर में लिख करके भेज देना ना, मैं इसको मैं रखूंगा लेकिन नेक्स्ट बैच के लिए है ना, आंसर्स नहीं, yes, मुझे आंसर मैं निकाल सकता हूँ लेकिन थोड़ा बोरिंग टाइप का. ओके चलिए, ये है ना क्या है, ये F=40, ये तो हम लोग कल किए थे, 32 है ना, 40 dx
ठीक है नहीं? यस सर। हाँ हाँ सर हो गया। यस सर। 40 dx है ना? हाँ ठीक है। dx by dt। ठीक है, ये इंटीग्रेशन रहेगा। ओके ओके। हाँ इसको कैसे निकाले बताइए, कैसे निकाले? दो इंटू फ्रिक्शन कितना है? म्यू पॉइंट चार न्यूटन फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद फोर्स को इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा। हाँ बोलो। ऐसे ही निकाल लिए, 40 है तो 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड के लिए फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, 0 से 2 नहीं करना पड़ेगा इंटीग्रेट, 0 से 2 नहीं करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा देखो 4 न्यूटन है ना। हेलो। यस सर। हां सर। ठीक है, तो पहला सेकंड में वो तो चलेगा ही नहीं, 1 से 2 करना पड़ेगा, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? हाँ सर समझ गए, समझ आया ना? पहला दो गायब करके। हाँ समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया सर? अरे देखो F40 है ना, 40 है ना? हाँ सर। यस सर। F.5 सेकंड पे कितना होगा बताओ? 0.5 सेकंड पे 2 न्यूटन। 2 न्यूटन होगा। हाँ सर। फ्रिक्शन तो लगेगा ना 2 न्यूटन। हाँ सर। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ना 4 न्यूटन। हाँ सर। हाँ 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 सर समझ गए। पहला सेकंड तक तो चलेगा ही नहीं ना? यस सर। हाँ सर। एक से दो सेकंड तक तो नहीं चलेगा ना, 1 से 2 सेकंड तक चलेगा। हाँ हाँ। यस सर। हाँ सर। 4 न्यूटन से ज्यादा होगा तब ना, है ना? हाँ सर। 4 -4 करके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, सुन रहा है? यस सर समझ गए। ठीक है, और इसको कैसे इंटीग्रेट किए? 40 -4 dx। अच्छा एक्सेलरेशन हो गया हमारा 40 -4/2, ये हो जाएगा dv/dt है ना? ओके, तो 2t-2 हो गया dv/dt, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन है कि नहीं? तो वेलोसिटी मेरा कितना हो गया? 2t²-2t हो गया वेलोसिटी, है कि नहीं? हाँ सर। एक्स हो गया t³/3 - t², ये हुआ ना एक्स जी? हाँ सर। डीएक्स हो गया मेरा t²-2t dt, यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 1 to 2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। 40 - 4 t²-2t dt 1 से 2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? विपुल दास का क्या होगा? खामोशी। हाँ सर। क्लियर है? ऐसे ही किए थे? यस सर। नहीं सर ऐसे नहीं किए थे, ऐसे नहीं किए थे सर। ठीक है, 1 से 2 का इंटीग्रेट है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए ये बताइए, ये तो सिंपल है, ठीक है ना? अरे है ना, वो तो क्या है? हाँ, ये निकल दो, हो गया है कि नहीं? यस हेलो। यस सर। हाँ सर, वो बी वाला भी सिंपल है, सी वाला? हाँ सर, उसका 9 जुलाई तो किए थे ना कल, किए थे। हाँ सर। हाँ सर, एग्जैक्ट एग्जैक्ट सी किए थे। ठीक है, और डी वाला? डी वाला
हो गया सर। सर ये तो मतलब नहीं बना सर। नहीं बना सर, यहाँ पे एक्स वाई जेड बन गया ना, तो ये है देखो, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, ये हिंट इसीलिए दिए थे। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। डीएस ऐसे लिखो, फिर एफ डॉट डीएस करो, हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। यस सर। एफ डॉट डीएस, ठीक है, मास आउट। ओके ओके, इसका भी सेम आंसर आएगा क्या सर? नहीं 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 नहीं, सेम क्यों आएगा? 2x dx, 3y dy, 4z dz, समझ आ रहा है? हाँ सर। 2x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अरे भाई, एफ डॉट डी एस होगा। हाँ सर। डी एस है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। हाँ सर होगा सर। क्या है? 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 4z के कैप, ये है? हाँ सर। हाँ सर है ना, अभी डॉट करो तो क्या हो जाएगा? 2x dx प्लस dy dy प्लस 4z dz, हो गया? हाँ सर। यस सर। इंटीग्रेट करना है आपको कहाँ से कहाँ? दूसरा लिमिट है y का, दूसरा ये, तो ये तीनों बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक है? x है एक से लेके दो तक, ये है दो से तीन। ऐसे करना था, ठीक है ना? z देखो, z यहाँ से तीन से चार हुआ ना, z समझ में आ रहा है? हाँ समझ गया सर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलिए गुड। ई सर 625। हाँ तो पहले ही वाला जैसा लग रहा है ना कुछ। अच्छा अच्छा, ये वी एक्स के फॉर्म में है, तो वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स, है ना? हाँ सर। तो वी डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ओके 25x। हाँ ऐसा हो गया, 25x हो गया, 25x इंटू एक्स, 25x स्क्वायर बटे 2, है ना? 25 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 हुआ, 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, 625 डिवाइड बाई 2, 325.5, सॉरी 312.5। अरे भाई नहीं सर, हम ए निकाल लिए 25x, उसके बाद m दिया हुआ है तो f। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दो से भी मल्टीप्लाई होगा ना f? हाँ सर। हाँ हाँ है ना। हाँ सर। तो वही हो जाएगा, 625 ही हो जाएगा, 625 हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। यस सर। ये क्या है? ये 5v, एक्सेलरेशन 5v, ये नहीं हुआ है सर। हाँ सर, एक्सेलरेशन है। अरे अच्छा, ये यार v dv by dx is equal to 5v, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ओ पी भी कट गया, डी पी बाय डी एक्स। ओहो ये हटाओ ना, एक्सेलरेशन क्या होगा? 5 एक्सेलरेशन होगा वी डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। वी क्या है? ए बाय 5 है। हाँ सर। यस सर। है ना, एक्सेलरेशन हो जाएगा ए बटे 5, एक्सेलरेशन हो जाएगा ए बटे 5 डीवी बाई डी एक्स। नहीं नहीं रुको रुको रुको, इसमें हम लोगों को क्या करना है? एफ डी एक्स निकालना है ना, तो मतलब कि ए डी एक्स निकालना है हम लोगों को, है कि नहीं? हाँ सर।
कि ए एक्स में, ए और एक्स में क्या इक्वेशन है वो निकालना है, ठीक है। हम लोग पहले पढ़े थे ना सबको कैसे है ना, सबको किसी में कन्वर्ट करना, तो ए वी को ए एक्स में कैसे कन्वर्ट करें ये हम लोग को समझना है, है कि नहीं। ए वी को ए एक्स में कैसे कन्वर्ट करें, ए वी को ए एक्स में कैसे कन्वर्ट करें। अच्छा अच्छा, ए वी को हम लोग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को हाँ। क्या मिलता है, डीवी बटे है ना, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाय डीएक्स से क्या मिल गया, वी एक्स करो, एक्सेलेरेशन इक्वल वी डीवी बाय डीएक्स, वी है ए बटे पांच, डीवी बटे डीएक्स कट गया, ए ए पांच, डीवी बटे डीएक्स इज इक्वल टू पांच है ना, डीवी इज इक्वल टू पांच डीएक्स, बी इज इक्वल टू फाइव एक्स, dx बटे dt इज इक्वल टू पांच एक्स, हो गया ना। हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा ln में आ जाएगा, log log में आ जाएगा, ठीक है। तो dx dx by x इज इक्वल टू फाइव डी टी है ना, तो हमारा हो जाएगा ln x इज इक्वल टू फाइव टी, x इक्वल्स e टू द पावर फाइव टी, ये हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा e टू द पावर 5t, तभी इसको अगर आप वेलोसिटी करो तो क्या हो जाएगा 5 e टू द पावर 5t डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा e टू द पावर 5t, देखो इसका सेम आ रहा है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू 5t, हां सर, ठीक है। तो यस सर, हां हां, अभी इसको किसमें फाइंड आउट करना, ax में ना, हां सर, है ना। तो मेरा ax तो सिंपल हो गया, ax हो जाएगा a is equal to 25x, अरे भाई a है 25 e to the power 5t, x है e to the power 5t, e to the power 5t, हाँ सर, हाँ हाँ, a हो गया 25x, a 25x हो गया, तो 2 kg है ना, 50x dx, 0 से 1, ठीक है, कैलकुलेशन से भागने का नहीं, एक्चुअली समझ में आ रहा है, हाँ सर, समझ में आया, यस सर, समझ गए, यस सर, हाँ ठीक है, क्लियर है, हाँ सर, हाँ सर, आगे बढ़ा जाए, यस सर, यस सर, ये तो कल वाला सवाल है। हाँ, ये कितना होना चाहिए, तो इसमें अभी ये होने के कारण एक सूडो फोर्स इधर लग जाएगा, ठीक है, ये सूडो फोर्स के कारण, ये सूडो फोर्स इधर हो गया, इधर और इधर इसका कंपोनेंट हो गया, ये होना चाहिए mg sin थीटा, हाँ सर, है कि नहीं, यस सर, ये 37 डिग्री, ठीक है, तो ये अगर एक्सेलरेशन मानो a, तो होना चाहिए m a cos 37 is equal to m g sin 37, समझ में आ रहा है, mm कट गए हो, a हो जाएगा g tan 37, समझ में आया, 10 into 37 क्या होता है, 3/4, ठीक है, 7.5 meter per second square होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.5 meter per second square, समझ में आया, यस और नो, किसी का आया था ये आंसर, छह लाए थे सर, ये कहां से लेके आ गए भाई, ये कैसे लाए, ये साइंटिस्ट, ब्लॉक का मतलब जितना एक्सप्रेशन होगा और उसका, तो उसका भी उतना ही होना चाहिए, तब दोनों रेशियो है कि नहीं, क्या सर, सूडो फोर्स लगाए थे आप लोग, नहीं सर, ये तो एकदम घटिया है, एकदम अप्रोच ही एकदम घटिया है, सूडो फोर्स बिना लगाए, एक बार हो गया है सर, इसमें एक्सेलरेशन था, सूडो फोर्स बिना लगाए कैसे किया, सिंपल है भाई, यहाँ पे 2 meter per second square से जा रहा है, इस पे रेस्ट पे है, तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा ना आपको देखने के लिए, रेस्ट पे है, तो सूडो फोर्स लगा दो, खत्म, ये अच्छा सवाल है, समझ में आ रहा है, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक्चुअली सवाल है,
यस सर। आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सॉल्व किए हो सारा? हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से डिस्कस नहीं किए थे ना? आईआईटी वाला बचा हुआ है। आईआईटी वाला सर पूरा नहीं किया है सर। बाकी वाला सब हो गया? हाँ सर हो गया। नीट वाला हो गया था सर। देखो आईआईटी वाला सॉल्व करने से क्या हो जाता है ना कि आप एकदम ये मतलब कि बाकी सब आपको इजी लगने लगेगा सर। ठीक है, हाँ, ऐसा है। यस सर। ठीक है तो आज क्या है, देखो वो लोग आए नहीं है, आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं। आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से आईआईटी वाला सॉल्व करो, ठीक है? है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, भेज दो कि सर हैज सेड अस टू सॉल्व यू नो आईआईटी क्वेश्चंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टुमारो, इट्स गोइंग टू बी। ठीक है ओके। कल क्या है, कल थर्सडे तो नहीं है? कल क्या है? नहीं सर, कल थर्सडे नहीं है, कल आज हाँ खिचड़ी का, कल संडे। ओके थैंक यू वेरी मच। तो कल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से कर लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी करके फिर से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन, फिर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।